खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां बच्चों की लड़ाई की वजह से 8 साल मसीही बच्चे और उसकी मां पर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के नवाही गांव चक नंबर 136 काफ बे थाना तरखानी की हदूद में बरोज जुमेरात बशारत अली मोहम्मद गफार और शहबाज मसीह के बच्चे इकट्ठे खेल रहे थे कि किसी बात पर बच्चों में लड़ाई हो गई, जिस पर बशारत और गफार के बच्चों ने शहबाज मसीह के 8 साल मसीही बच्चे पर तशद्दुद किया और उसकी माँ बच्चों को समझाने की गर्ज से बशारत और गफार के घर गई और ये कहकर वापस आ गई कि आप अपने बच्चों को समझाएं, इकट्ठे खेलते हैं तो लड़े मत। इसी बात की रंजिश दिल में रखे हुए बशारत और गफार और दीगर साथी असला और डंडे सोटे लेकर शहबाज के घर पहुंच गए, जबकि शहबाज की बीवी घर में अकेली थी। घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, जब दरवाजा ना टूटा तो गलीस गालियां बकने लगी और धमकियां देने लगे कि दरवाजा खोल, आज तुम लोग हमसे नहीं बचोगे, हम तुम्हें आज जान से मार डालेंगे। जब दरवाजा ना खोला गया और बशारत और गफार घर की दीवार फैलांग कर घर में दाखिल हो गए और शहबाज मसीह की बीवी कृष्णा बीबी को गंदी और ग्लेज गालियां देने लगे और उसे घसीट कर बाहर गली में ले गए, 8 साल बच्चे के मसीही माँ को बेइज्जत किया और कपड़े तक फाड़ दिए। अहले मोहल्ला जिनमें रजाक मसीह, शहबाज मसीह, मुख्तार मसीह ने कृष्णा बीबी को बचाने की कोशिश करने लगे और जट बरादरान की मिन्नत समाचित करने लगे, जिसके बाद वो लोग धमकियां देते और असला लहराते फरार हो गए। पुलिस ने कृष्णा बीबी के खावन शहबाज मसीह की मदियत में वाकये की तफ्तीश करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि कृष्णा बीबी और खावन शहबाज मसीह ने वजीर आला पंजाब और कानून नाफिज करने वाले आला अफसरान से इंसाफ की अपील की है। जी, खुदावन के बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आपको रात एक न्यूज से आगाह किया गया था कि समुंदरी के इलाका थाना तरखानी 136 गांव आजम बस्ती में एक जट बरादरी के लोगों ने मसीही घराने पर हमला किया, जिसमें उन्होंने घर में घुसकर बच्चों और औरतों पर तशद्दुद किया, जिसका मेडिकल आ गया है और थोड़ी देर तक हम एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके बाद थाना में दर्ज करवा देंगे। तो तमाम दोस्त अहबाब जो मुझे सुन रहे हैं वो इस पे आवाज़ उठाएं। इस वक्त मेरे साथ आज़म बस्ती मसीही तमाम बरादरी के जो सरबराहान हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस वक्त मेरे पास ऑफिस में आए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं।